स्वागत है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी पार कर चुकी है। देश में सबसे ज्यादा वैट वाले राजस्थान में हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान में मोटरसाइकिल चलाने वाले इस वक्त पेट्रोल और डीजल को सोने से कम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि सूबे में हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम सोने की तरह बढ़ रहे हैं, जिससे वाहन चालकों की जेब में आग लग गई है। हालत यह है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं, तो राजधानी जयपुर में 97 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। अनलॉक होने के बाद भी तेल के दामों में कोई कटौती नहीं की गई। हाल ये है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक 25 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, और 25 बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों से पेट्रोल 8 रुपए लीटर और डीजल 6 रुपए लीटर महंगा हुआ है। कोरोना काल के चलते पिछले एक साल में 21 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिससे तेल कंपनियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के खजाने में पैसा गया। पेट्रोल डीजल पर टैक्स से कमाई पर नजर डालें तो राज्य सरकार ने कोरोना काल में 3 बार पेट्रोल पर 8% और डीजल पर 6% वैट बढ़ाकर 2500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व कमाया। हालांकि जनभावना को देखते हुए 28 जनवरी 2021 को राज्य सरकार ने 2-2% वैट घटाया। अब राजस्थान में पेट्रोल पर 36% वैट और 1.5 रुपया रोड सेस, जबकि डीजल पर 26% वैट और 1.75 रुपये रोड सेस वसूला जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल से ही 1,168 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए, तो डीजल से भी 1,349 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व कमाया। साल दर साल राजस्थान सरकार को वैट से कमाई बढ़ती गई। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 11,706 करोड़, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 12,102 करोड़, 1 जनवरी से दिसंबर 2020 तक 13,463 करोड़ रुपए कमाई हुई। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित बगई का कहना है कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 6% वैट बढ़ाया था, लेकिन अब कोरोना का असर खत्म हो चुका है। पेट्रोल डीजल की बिक्री भी बढ़ गई है, लिहाजा राज्य सरकार आम जनता को राहत देने के लिए कोरोना काल में पेट्रोल डीजल पर लगे 8 और 6% वैट को खत्म करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों से जनता की कमर टूटे जा रही है, और ऐसे में किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।